एनीवेज आप देख सकते हैं बारिश तेज हो रही है, मोबाइल गीला हो रहा है, नीचे चलते हैं इससे पहले मोबाइल ज़्यादा ख़राब हो। भाई अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज फिर मैं रात को सही टाइम सोया ही नहीं, मैं सही टाइम उठ गया मैं जल्दी, इसलिए क्योंकि रात को मैं सोया नहीं। टाइम हो रहा है जी 4:10, सहरी कर ली गई है और आप भाई को एनर्जेटिक देख रहे हैं जी वंस अगेन। और उसकी वजह यही है कि खुराक डाइट कम अज़ कम अच्छी ले ली है, क्योंकि तो पता लग गया समोसे पकौड़े खा के कि करना जो वजन है वो साफ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है अब ज़रा कंट्रोल्ड, यू नो कंट्रोल कंट्रोल। वेल अभी 4:10 हो गए, आप लोगों से इंशाल्लाह आपको तो पता है हमने मुलाकात करनी है 12 बजे इंशाल्लाह है, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम सोना अभी रहता है हमारा। नींद आ भी रही है, नहीं भी है, वैसे आ ही रही है क्योंकि मैं रात का सोया नहीं हुआ, मैं लेटूंगा तो पटक सी नींद आ जाएगी, इसलिए बेहतर है कि लेट के सो ही जाऊँ है। और एक और अभी अपडेट पता चल रही है कि शायद वाली बात है कि आज इंटरनेट की जो तरसील है वो बंद कर दी जाए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि हमारा व्लॉग लेट हो सकता है। तो जो भी हालात होंगे वो इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन मैं व्लॉग शूट तो मैंने करना ही है ना, तब तक शूट तो मैं कर ही लूँ। खैर मैं सोने जा रहा था, अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त बज रहे हैं जी 1:35। खैर मैं उठा था अभी 1:15, उठ के नमाज पढ़ी है और फिर सोने लगा। नहीं, अब सोना नहीं है यार, अब थोड़े से घर के काम है वो करने और साथ साथ में आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिल वक्त हमने स्टार्ट कर दिया जी आज का व्लॉग। माशाल्लाह रात को 6 व्लॉग अपलोड कर दिया, इंशाल्लाह हमने 60th व्लॉग समझो अपलोड कर दिया। टेंशन है अब भाई, कंसिस्टेंट है इंशाल्लाह। बस यार एक टेंशन है मुझे कि एग्ज़ाम्स जब आएंगे तो फिर मुझे हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा होता है ना कि यार एग्ज़ाम की टेंशन है, वीडियो नहीं बन रही ये वो, लेकिन इंशाल्लाह उसके अंदर भी कोशिश करेंगे छोटा मोटा जैसा भी व्लॉग है बनाए ज़रूर। और जनाब अगर बात की जाए मौसम की सूरत हाल की, तो मौसम की सूरत हाल ये है कि सूरज जो है वो बादलों में है, कभी बादलों से बाहर आ जाता है, कभी बादलों के अंदर चला जाता है, तो मौसम कदरे बेहतर है आज। रात को मैं सोने के लिए गया, जब नींद नहीं आ रही थी मैंने देखा करते करते वैसे ही 2 बज गए, मैंने कहा अब मैंने क्या सोना है यार, 3:30 बजे फिर 3 बजे 3:30 फिर उठना पड़ना है, तो वो 1 घंटा ही था। मैं 3:30 बजे तक 3:15 तक उठा रहा हूँ, 3:15 से 3:30 मेरी आँख लग गई, वो फिर मम्मा ने मुझे शुक्र है 3:30 बजे जगा दिया, मैं शुक्र है नहीं तो। लेकिन एक तरह का यही था कि मैं सारी रात सोया ही नहीं, 15 मिनट की नींद क्या होती है, थोड़ी सी हल्की सी। लो जी कल मैंने व्लॉग अपलोड तो किया लेकिन 6 पे निशान नहीं लगाया, ये लग गया निशान 6 पे। और बताएं वैसे गाइस मुझे भी लेके आने आलूस खा के, हम खुद आलूस बन गए, लेकिन इस वक्त लेके आने आलू, क्योंकि 2 बज रहे हैं, इसके अलावा अगर हम देर से जाएंगे तो रश होगा। अभी ये कि रश थोड़ा कम होगा, वैसे अल्लाह का शुक्र आज मौसम भी काफ़ी बेटर है, तो आलू ले आए, फिर आके आपसे करते हैं chitchat.com। सो गाइस फाइनली आलूज आ गए हैं, आलूज के यार धोना भी आया, धोना बड़ा महंगा है यार, 50 रुपये किलो। सो यार एनीवेज हो गए जी 2:15 और देर इज़ नथिंग टू डू बट वी विल डेफिनेटली डू, क्योंकि 4 बजे मेरी क्लास है और ये भी ठीक है, 4 से 5, 5-6 बजे तक क्लास होगी, अफ्तारी का टाइम नहीं आ जाएगा। अपडेट मेरा ये होता है कि ना हर घंटे में थोड़ी सी मैं 1-2 क्लिप्स निकाल लूँ, तो कोई बात नहीं करने के लिए। और हाँ नेक्स्ट जो इससे नेक्स्ट क्लिप होगा ना उसके अंदर मैं सोच के भी बात करूँगा, ऐसे ही मैं नहीं बात करूँगा, तो क्या बोल जा रहा बस फजूल में। Behind me this
lot of money. What I want? I love this weather, man. Well, guys, थोड़ी देर में बादल गरजने वाले क्या गरज चुके हैं भाई, बारिश शुरू हो चुकी है। आई थिंक मुझे नीचे जाना चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, बट मुझे नीचे जाना चाहिए इससे पहले मेरा मोबाइल गीला हो जाए। और अगर आपको नज़र आ रही हो बारिश, नहीं अभी नहीं आ रही आपको बारिश, थोड़ी सी तेज़ हो जाए बारिश, फिर दिखाते हैं। मेरी छत पर ना एक शॉपर पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा वाला ना, इसी मतलब बड़ी मशीन वगैरह नहीं, तो जो नहीं आपको चीज़ें उसके अंदर शॉपर आता, बहुत बड़ा सा वो यहाँ पड़ा हुआ था, वो उड़ के उस हाथल की तरफ चला गया। देखते हैं वो कि नीचे तो नहीं गया। अभी टाइम हो रहा है 3:37। अगर अंदर की बात करें तो सारे सो रहे हैं और मैं नहीं चाहता मैं किसी को भी जगाऊं, सो मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ भाई। इसको करते हैं बंद और एक मिनट, अब ठीक है। वेल, वेदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल और हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन पाकिस्तान का आपको पता निज़ाम बहुत अच्छा, आपको नहीं पता हल्की सी बारिश होती है अवाम, वो जो वापडा वाले उनको अपनी तारों की फिक्र पड़ जाती है, उसी वक्त लाइटें भेज देते हैं, ऐसे ऐसे हैवी सेंसर लगे हुए हैं उसके अंदर, लाइट चली गई है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को ऐसा क्या समझते हैं सर, बहुत हैवी सेंसर लगे हैं। और दूर एक बच्चा मुझे ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। यार जब बारिश होती है ना तो मिट्टी के साथ मिलके ना खुशबू आती है, अगर आप लोगों ने कभी स्मेल की हो तो बहुत हाय 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 क्या बात है। अमेज़ॉन के इन जंगलों में बारिश अब रुक गई है और अब यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैंने अपना इंतज़ाम कर लिया है, इससे पहले कि तेज़ हवाएं दोबारा चलने लगें नमाज भी पढ़ लेगी और इफ्तारी का सामान भी तैयार हो रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको करवाएंगे मैन वर्सेस रमज़ान इन लाहौर की सैर विद बेयर मोहसिन। अगर फ्लावर्स की बात की जाए तो ये एक नया पौधा उग रहा है, ये पता नहीं किस चीज़ का, मम्मा से पूछता हूँ किस चीज़ का। और ये हमारे थोड़े थोड़े से फ्लावर्स हैं। अच्छा ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, बेल को भी बांधा हुआ है क्योंकि गर्मी आ रही है ना, तो उसके बाद इसने खेलना है, फिर इसको खोलेंगे, इसको बांधेंगे ऊपर वाली साइड पर, लेकिन अभी इसको बांधा हुआ है। ये गुले दोपहरी है और ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है यार, इसके जो फूल खिलते हैं ना छोटे छोटे पिंक कलर के, ऑरेंज कलर, वैसे नहीं हमारे पास पिंक कलर के उगते हैं, एक हमारे पास पौधा था इसी तरह का, उसमें ऑरेंज पिंक ग्रीन मतलब डिफरेंट कलर्स के उगते थे, बहुत अच्छा लगता था। वेल इस पौधे का मैं पूछता हूँ ये है किस चीज़ का पौधा है। इसके साथ साथ ही इस साइड पे हमारी एक बेल लगी हुई है जो कि नीचे गली से आ रही है। इस बेल पे कीड़े बहुत आते हैं, पता नहीं मीठी है ज़्यादा थोड़ी सी, पता नहीं इस बेल को कहते क्या मुझे ये भी नहीं पता। वेल लेकिन फ्लावर्स से ना हमारे घर की कह लो लुक निकल आती है एक तरह की, इसके ये वाले यहाँ से इस तरह के फूल निकलते हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं फूल, ऑरेंज से कलर के ना बहुत अच्छे लगते हैं। अभी बहुत सारे निकले हुए हैं, निकले नहीं हैं लेकिन निकलेंगे इंशाल्लाह। कहीं दूर कंस्ट्रक्शन हो रही है गली के मतलब आगे पीछे, वहाँ की आवाज़ अभी तक पड़ी, टीजिंग आवाज़ है। एनीवेज 6 बज चुके हैं और देर इज़ नथिंग टू डू, मेरी क्लास चल रही थी, मैंने क्लास के दरमियान में मैंने कहा देखें व्लॉग कंटिन्यू करना, थोड़ा सा व्लॉग को टाइम दे दें। तो अभी इफ्तारी जो है अब तक 6:30 बजे होगी, अभी मेरे पास तकरीबन आधा पौना घंटा है, आधा घंटा ही कह लें आप। और असर की नमाज़ पढ़ ली गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम काफ़ी बेहतर आज तो अल्हम्दुलिल्लाह, हवा चल रही है, बारिश हुई है, थोड़ी सी हवा चल रहा है। हम आपसे मिलते हैं जनाब अफ्तारी के बाद। सो फाइनली गाइस अफ्तारी डन अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी मैं बस खाई पी जा रहा हूँ, और वही बात है आज मेरी एनर्जी लगता है मुझे थोड़ी सी डाउन जाएगी क्योंकि आज मैंने ख्याल नहीं किया और जो सामने आया बस खाई गया हूँ, बोंगले फिरना है, मैं कंधा चबजे फिरना है ना। एनीवेज टाइम हो रहा है जनाब 7 बजने में रह गए 10 मिनट, और बस थोड़ा सा टाइम रह गया, उसके बाद इंशाल्लाह हम करके आएंगे, तरावियाँ पढ़ के आएंगे। और कल वाले ब्लॉग में मैंने तरावियों को वितर कह दिया था। एनीवेज तरावियाँ पढ़ के आएंगे और अच्छा मौसम की सूरत हाल हम अफ्तारी कर रहे थे, बारिश फिर हुई थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश आपको तो पता मुझे बड़ी पसंद है। सो यस वे तुसी इत्थे भी, खैर मुझे याद है मैंने अपने ब्लॉग की ना एंडिंग नहीं की थी। सो खवातीन हज़रात अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। टाइम हो गया जनाब 10:30 की 10:45 होने लगे यार, इस वक्त तक मैं अपनी तकरीबन आधी एडिटिंग, आधी तो नहीं मतलब कम अज़ कम डाटा तो ट्रांसफ़र कर ही लेता हूँ, तो आज मैं लेट हो गया। मैं सोच रहा था कोई भी काम करने लगे ना, अगर वो दिल करे तो बंदा करे,
लेकिन वो काम जॉब बन जाती ना, मैं कहता हूँ पश कराओ, लेकिन नहीं, चैलेंज लिया, करेंगे, पूरा करेंगे, 30 दिन का पूरा करेंगे, मजाक हो रहे, दसो यार। सखावतीन हजरात, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना अपने गिरदन वाले लोग रखिएगा बहुत सारा ख्याल, छोटों को प्यार बड़ों का सलाम, ओहो छोटों से प्यार, बड़ों का अदब एहतराम, बड़ों को सलाम, छोटों को प्यार, हाँ बड़ों को सलाम, छोटों को प्यार, और थैंक यू जी, मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।